हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट में आप लोग अपना पुराना मोबाइल देकर नया मोबाइल कैसे ले सकते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ़र रहता है उसका आप लोग कैसे उपयोग करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, ये जो एक्सचेंज का ऑफ़र रहता है, यानी कि आप लोग अपना जो पुराना मोबाइल है उसको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर देते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अमाउंट और भी देना पड़ता है और आपको यहाँ पे एक नया फ़ोन यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे इसको जो है करने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो है कैटेगरी में जाना है और मोबाइल वाले ऑप्शन में जाना है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो जो भी फ़ोन यहाँ पे आप जिस भी कंपनी का फ़ोन लेना चाहते हैं आप लोग जो है उस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो है बहुत सारा फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जिस भी फ़ोन को लेना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आपके फ़ोन पर जो भी मोबाइल आपने यहाँ पे ओपन किया है अगर उसमें आप लोगों को यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन आ रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एडिट पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों, सॉरी यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं। एडिट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो भी आपका पुराना फ़ोन है जो भी कंपनी का उसको सेलेक्ट करिए और उसका जो मॉडल है वो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नंबर पे आपको तभी क्लिक करना है जब आपके फ़ोन पर बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा और आपके फ़ोन का डिस्प्ले और जो बैक पैनल मतलब बैक कवर होता है वो बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, यानी कि आपका फ़ोन जो है बिल्कुल नया टाइप से है, यानी कि बिल्कुल भी कोई भी मतलब टूटा हुआ नहीं है, तब आपका जो फर्स्ट वाला है जो वही सेलेक्ट रहेगा। अगर कोई डैमेज है तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका जो मोबाइल का जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो Redmi Note 9 Pro का फ़ोन है वो अभी जो है 10,500 रुपये में यहाँ पे जो है बिक रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना जो फ़ोन है उसको यहाँ पे 10,500 में बेच सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने फ़ोन का वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे को 12,000 देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो फ़ोन है वो मेरे को एक्सचेंज ऑफर में मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।